दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आपको इस ब्लॉग का टाइटल देख के समझ में आ ही गया होगा। तो आज जो है एक्चुअली मैं अपना घर दोबारा से मूव कर रहा हूँ, तो मुझे अभी इस बार क्या रहते रहते सामान बहुत ज़्यादा हो गया, बेड भी है और दो चार चीज़ें और हैं, ड्रेसर है, ये सब है, तो इस वजह से सामान थोड़ा ज़्यादा है। तो यू हॉल के बिना तो काम चलने नहीं वाला है, तो मैं आपको इसमें पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा, यू हॉल लेने का, रेंट करने का, कैसे क्या होता है, कितने पैसे लगे, क्या है ना, पूरा ए टू जेड जितनी मेरी कहानी थी यू हॉल को और मूविंग को लेके सब कुछ मैं इसमें बताऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ बस यू हॉल लेने, अभी बस कैच करने जा रहा हूँ, बस पकड़ के वहाँ पे उतर के कुछ दिखाने लायक होगा तो आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ का एड्रेस डाल दूंगा अगर आपको यहाँ से बुक करना हो तो। वो देखो सामने यू हॉल का, दो तीन यू हॉल खड़ी, तो उसमें जो वैन है ना वो हम ले रहे हैं। इसका रेट होता है 90-95 के हिसाब से या कुछ होता है ऐसा, मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे से डिटेल में। तो अभी वो देखो यू हॉल रेंटल्स करके है, वहाँ फटाफट जाते हैं, चाबी उठाते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से। तो दोस्तों वैन ले लिया, फटाफट निकलते हैं जल्दी से, देर हो गई है बहुत, आधे घंटे देर हो गई, बताऊंगा क्यों हुआ है। चलो निकलते हैं, लोड कर लिया और देखो कितना सामान, ये 5-6 महीने में इतना सामान हो गया भैया, अरे बाप रे बाप, इतना सामान तो मैंने इमेजिन नहीं किया था। अच्छा हुआ कि ये वाली यू हॉल ले ली, मुझे लग रहा था कहीं बड़ी होगी लेकिन नहीं, बड़ी नहीं है ये, बहुत छोटी पड़ी मतलब ऑलमोस्ट हमें, लेकिन चलो सामान अच्छे से आ गया। अब वहाँ पे 1 बजे का टाइम है, पहुँचना है, जल्दी से निकलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे और थोड़ा बहुत आगे और सब कुछ बताऊंगा इसमें प्रोसीजर क्या आराम से। चलो अब निकलते हैं, अरे उधर से बैठना होता है इसमें। हवा ही नहीं रुक रही है यार, क्या करूं मैं, शीत लहर चल रही है खतरनाक, नाक ठंडी हो चुकी है, लेकिन वीडियो बना के जाएंगे। तो गाइस सॉरी यार, उस दिन के बाद मुझे आज टाइम मिला, बहुत टाइम बाद, मतलब हो गया मुझे 1-2 दिन, एक्चुअली घर मूव किया था तो उसकी हौच पौच तो होती है, आपको मालूम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की वीडियो, ज्यादा देर नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि यू हॉल लेने का प्रोसेस होता क्या है। तो आप बहुत सिंपल है, इस आप ऐप पे जाइए, यू हॉल का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें वो जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन बताता है उसको फॉलो करते जाइए, और उसमें कुछ कुछ चीज़ें आएंगी बीच में, जैसे कि आपको फर्नीचर के लिए कोई डॉली चाहिए या फिर वो जो नहीं होता ऐसे ले जाने वाला, डॉली बोलते हैं यहाँ पे, पता नहीं इंडिया में क्या बोलते थे उसको, इंडिया में तो ये सब कभी यूज़ किया ही नहीं, मजदूरों वाला काम कभी किया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे करना पड़ता है। तो वो डॉली वगैरह चाहिए तो ठीक है, लेबर चाहिए तो उसमें ऑप्शन है, और अगर आपको फर्नीचर पैड्स चाहिए सब कुछ ऑप्शन होता है उसमें, तो वो आप, मुझे लगता है किसी को ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। हमने फर्नीचर डॉली ली थी तो वो $7 की मुझे पड़ी थी पर पीस, तो मैंने तो एक ही ली थी क्योंकि मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। तो अगर आपको बड़ा सामान मूव करना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक फर्नीचर डॉली आप जरूर ले लीजिए, बहुत हेल्पफुल होती है वो, $7 मत देखना, वो पैसा वसूल होता है बिल्कुल। तो दोस्तों हुआ क्या, फिर जब मैं अंदर गया तो मैंने उनसे कहा कि, मैंने उनको अपना लाइसेंस दिया, तो मेरे पास ना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ही है, मेरे पास कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि, उन्होंने कहा ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए अपना, तो मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिया, तो वो बोलते हैं कि भैया ये नहीं चलेगा। मैंने कहा अरे कैसे नहीं चलेगा, मैं और मैं ऑलरेडी बात करके आया था, मैंने जो है कस्टमर केयर जो इनका होता है ना कस्टमर सपोर्ट, उस पर मैंने बात करके अपना लाइसेंस की फोटो भेज के सब कुछ कन्फर्म कर लिया था, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि वो देंगे देंगे। सो दे सेड कि, मतलब जो कस्टमर सपोर्ट वाले हैं, दे सेड कि अनलेस आपका ड्राइवर्स लाइसेंस वैलिड है और आपका ड्राइवर लाइसेंस इंग्लिश में है, ये दो चीज़ें अगर हैं तो पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसमें वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। मैंने उनको ऐसा ऐसा बताया, तो मुझे, मैंने अभी उसमें बोला था ना पीछे वीडियो में कि मुझे आधे घंटा लेट हो गया था, तो लेट इसीलिए हुआ था बिकॉज मैंने उनको बहुत कन्विंस किया समझाने का, तो वो समझ नहीं रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है अपने ऊपर किसी से या तो मेरी बात करा दो या तो तुम बात कर लो। तो जब उसने खैर बात करी तो उसके बंदे ने, जो भी उसका ओनर था या जो भी सुपरवाइजर था, आई डोंट नो, तो उसने बोला कि नहीं आप लाइसेंस की फोटो खींच लो और उसको गाड़ी दो, बिकॉज उनकी पॉलिसी है उनको देना ही पड़ता वो, क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था कि मतलब कोई इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे लेके जा रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा था भाई वो इंडियंस को मेरे सामने कि नहीं इंडियंस पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। मैंने कहा यार ये सब क्या बात है करने, मतलब बोलने की, वो बात अलग है कि बहुत सारे इंडियंस हैं ऐसे जो ट्रस्टवर्दी नहीं है कनाडा में। मैं आगे किसी वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि कुछ एक कम्युनिटी है जो अपना, अपनी कम्युनिटी का नाम बदनाम कर रही है, तो चलिए इसको मैं ज़्यादा अभी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं करूँगा, बाद में किसी बारे में बताऊँगा। ये कहानी रही स्टार्टिंग की, फिर मैंने जो है वहाँ पे गाड़ी उठा लिया उसके बाद, तो ये लगभग आधे घंटे मेरा डिले हो गया था।
देन फिर मैंने जो है अपना सारा सामान वामान लोड कर लिया, वो भी मैंने आपको इसमें पीछे वीडियो में दिखाया। और उसके बाद लोड वोड करके उसके बाद मैं आया, मैंने लगभग कितना चार मेरा मेरे जो पुराने घर से, ये वाला जो घर है मेरा, जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में से एक में मैं रहता हूँ, मेरे पुराने घर से ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर था, तो वहां तक मैं आया। तो अच्छा, अगर आप बिल्कुल ही मतलब मिनिमल स्केल पे, अगर आपको यू हॉल करनी है और 2-3 किलोमीटर ही चलाना है या 5-7 किलोमीटर के अंदर चलाना है, तो आपका जो यू हॉल का फेयर होगा वो मोटा मोटा आपको $45 से $50 के बीच में पड़ेगा। और अगर आप उसके ऊपर जाते तो वो बेसिकली 0.69 सेंट्स पर माइल वो लोग अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जो आपका गाड़ी का डेप्रिसिएशन होता है। तो दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पे हो रही है बहुत ठंड, भैया मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं चलता हूँ आगे कहीं पे वीडियो बनाता हूँ। तो फ्रेंड भैया मैं घर ही आ गया हूँ वापस, बहुत ठंड हो रही है और ये मेरी बालकनी से देखो व्यू कितना अच्छा है, और यहाँ साउथ कैंपस का डायरेक्ट आपको सामने दिखता है, बिल्कुल 10 मिनट दूर है ये जो बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, मेरे साथ लाइसेंस में एक प्रॉब्लम बहुत ही अजीब सी हुई कि होता क्या है कि अगर तो आप इंडियन लाइसेंस दे रहे हैं तो वो वैलिड है, लेकिन मैं G1 ऑलरेडी दे चुका था। जैसे आपने मेरी प्रीवियसली मेरी एक G1 वाली वीडियो में देखा होगा कि मैं G1 दे के आया हूँ। तो टेक्निकली होता क्या है कि अगर आप G1 दे चुके हैं तो आप G1 मतलब कैनेडियन लाइसेंस सिस्टम में आप एनरोल हो चुके हो, तो दैट मीन्स कि आप अब गाड़ी नहीं दे सकते। लेकिन वहाँ पे अब मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, बिल्कुल मेरे पास किसी को बुलाने का समय नहीं था, तो मैंने उस बंदे को ये नहीं बताया कि मैं ऑलरेडी G1 दे चुका हूँ। अगर मैं उसको ये बता देता कि मैं G1 दे चुका हूँ तो वो मुझे यू हॉल नहीं देता, किसी चांस में नहीं। क्योंकि अगर आपके पास G1 है और फिर भी आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो खाली एक ही ऑप्शन है कि आपको गाड़ी सीखने के लिए एक 4 साल के मतलब जिस बंदे को 4 साल का एक्सपीरियंस है वही उसी की निगरानी में आप गाड़ी चला सकते हैं, अदरवाइज दैट इज इलीगल। बट मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मैंने कहा भाई अब मूव तो करना ही है, बहुत ज्यादा चलानी भी नहीं थी गाड़ी, तो मैंने कहा अब गाड़ी ले लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं मेरे पास। तो मैंने उसको ये दिखाया कि मेरे पास इंडियन लाइसेंस है, तो उस बंदे ने मुझे गाड़ी दे, तो फिर मैंने गाड़ी ले ली। उसके बाद मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमने थोड़ा मूव किया, यहाँ आके मैं ज्यादा वीडियो बना नहीं पाया मूविंग का। उसके बाद हम लोग ने उस दिन वैसे मुझे ज्यादा चलानी नहीं थी, लेकिन हमको थोड़ी सी डाइनिंग टेबल लानी थी और कुछ और मार्केट प्लेस से सामान उठाना था, जो कि मैं आपको अपनी जो अपार्टमेंट का टूर दूंगा उसमें सब कुछ दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या और सामान लेके आया था उसी दिन हॉल से। और तो उस दिन हम लेके आए, सारा कुछ मूव कर दिया। तो मेरे अपार्टमेंट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि जब हमको मूव करना था ना तो उसका एक स्पेसिफिक स्लॉट था टाइम, पूरी लिफ्ट जो है हमारी हमारे लिए बुक कर रहे थे, तो उसमें वो पूरे पैड्स लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो हमारा 1 से 4 के बीच का टाइम था, उसमें सब कुछ करना था। तो मतलब हमने थोड़ा बहुत कोप अप किया और टाइम के साथ हम लोग हो गए थे, मतलब 4 बजे तक हम सारा सामान लेके आ चुके थे, देन हमने सारा कुछ सामान मूव कर दिया। उसके बाद भी मेरे पास, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 2 घंटे लेट हो गया था। अच्छा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना कभी भी यू हॉल लेना, तो देखो इसका रेट जो होता है 1995 होता है, ये 1995 जो इसका रेट है ये है 12 घंटे का। ये चीज मुझे नहीं पता थी, तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में जब तुम बुक करोगे ना उसको, तो उसमें मतलब उसमें टाइम स्लॉट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपको कितने घंटे के लिए यू हॉल बुक करनी है। तो मैंने सोचा ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगेगा, 4 से 5 घंटे लगेगा मैक्सिमम, 4, तो मैंने मतलब मोटा मोटा 4 घंटे के लिए बुक किया। मुझे लग रहा था कि 4 घंटे में जल्दी जल्दी करके सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन हुआ क्या कि मुझे 4 से 6 घंटे हो गए। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए कि अगर आप जब जैसे आपने 4 घंटे की यू हॉल बुक करी, अब आप जब आप रिटर्न करने जा रहे हो तो वो आपको बोलेगा कि 2 घंटे आप एक्स्ट्रा हो, तो आप पर मतलब एक्स्ट्रा वो जैसे अगर मेरा $80 उस दिन बिल आया, सब कुछ मिला क्योंकि मेरी माइल्स वगैरह बढ़ गई थी, तो मेरे उस दिन बिल $80 आया था। लेकिन अगर वो बंदा बहुत काइंड था जिसका पूरा स्टोर था, वो भी इंडियन था, अपना देसी बंदा था, तो उसने बोला कि क्योंकि तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है तो मैं तुमको बता देता हूँ कि ऐसा है कि अगर आप 4 घंटे की बुक कर रहे हैं, आप 4 से 4.25 घंटे या 4:30 हो गए तो चलो लोग इतना नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे लेट आए तो डेफिनेटली वो जो लेट का चार्ज है वो जरूर लगेगा आपको। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था, मैंने कहा मैंने मेरा पहला टाइम है, मैं पहली बार इधर, मैंने 4-6 महीने हुए मुझे आए, मुझे आइडिया नहीं है, तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं। तो ही वॉज वेरी काइंड, उसने मुझे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि अगर अगली बार लेना तो ये चीज जरूर याद रखना। तो आप लोग ये चीज जरूर याद रखना कि कभी भी चार मतलब आपको भले ही 1 घंटे का क्यों ना काम हो, आप हमेशा यू हॉल जब बुक करो तो 12 से 24 घंटे की बुक कर सकते हो, वो 1995 का ही रेट लगेगा, उसमें उसके ऊपर से नहीं लगेगा। माइल्स का ऊपर नीचे हो गया तो उसके थोड़े बहुत चार्ज लगते हैं, लेकिन अगर आप 2 घंटे यू हॉल लो और 3 से 4 घंटे हो गए तो आपका जो मेरा मान लो $80 लगा तो 80 × 2 हो जाता है, वो एकदम डबल हो जाता है, वो पेनाल्टी होती है अगर आप लेट रिटर्न करते हैं। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना है, ये चीज मुझे आपको लोग को बतानी थी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका नुकसान ना हो फ्यूचर में। मैंने जो टाइम डाल रखा था वो 4 घंटे का डाला था, तो मुझे टेक्निकली वो रिटर्न करनी थी 4 घंटे में, बट मुझे 6 घंटे में। और उस दिन मार्केट प्लेस पे मुझे एक और बहुत बढ़िया ऑफर आया, मुझे एक सोफा उठा के लाना था,
लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ 4 घंटे का टाइम डाला था और उसने और चलो 2 घंटे माफ कर दिया, लेकिन और 2 घंटे तो वो नहीं करेगा ना, उसका भी नुकसान है। तो फिर मुझे अगले दिन फिर से यूहॉल करनी पड़ी, फिर हमारा लगभग $50-60 खर्चा हुआ। तो वो तो दूसरी कहानी है। तो हम लोग फिर मैं पूरा आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या लेके आया हूँ सारा कुछ, मतलब जो हमारा स्टाफ था उसके बाद ये सब सामान लाना था हमें, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। फिर दूसरे दिन हमने बुक करी, तो क्योंकि वो जान पहचान हो गई थी तो फिर मैंने ऑनलाइन बुक करके तुरंत उठा ली। अगली बार जब मैंने बुक करी तो मैंने 12 घंटे की टोटल बुक करी थी। तो बेसिकली यूहॉल रेंट करना बहुत ही इजी है, बस इतना ध्यान रखना कि आपका जो लाइसेंस हो वो वैलिड हो। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, आप ये चीज कभी मत करिएगा, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप अपना आप मतलब अगर मुझे पुलिस वाले पकड़ लेते उस दिन, मतलब कुछ भी हो जाता यार, किसी और ने आके ठोक दी होती गाड़ी, कुछ भी हो जाता तो मेरे तो लग जाने थे, एल लग जाने थे, मेरी बहुत प्रॉब्लम होती मुझे। लेकिन चलो मैंने थोड़ा बहुत रिस्क लिया, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा यार, इतना क्या मैं इतना सोचता नहीं हूँ आगे का। तो वैसे बेवकूफ़ी है ये, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन चलो ठीक है, वो अपने दिमाग में उस टाइम जो आया मैंने वही किया, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। तो मैंने और मुझे आती है, देखो मुझे एक्सपीरियंस है 8 से 9 साल का, अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो ये चीज़ प्लीज़ मत करना। मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक बार गाड़ी चला चुका था प्राइवेट इंस्ट्रक्टर के अंडर, तो मुझे आइडिया था यहाँ के मोटा मोटा रूल्स क्या होते हैं, मुझे आइडिया था सब कुछ। और बाकी थोड़ा बहुत देख के देखो, जिस बंदे का एक्सपीरियंस है ना वो 8-10 साल का, वो गाड़ी कहीं पे भी चला लेगा, गाड़ी इधर बैठना हो चाहे उधर बैठना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अपनी एक्सेप्शन था मेरा, भले वो बेवकूफ़ी थी थोड़ी सी, लेकिन आप ये चीज़ कभी मत करना, मैं आपको हमेशा ये बोलूँगा कि कभी मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए, मेरी चलो किस्मत ठीक ठाक थी मैं नहीं पकड़ा गया, लेकिन इन केस अगर आपको कॉप्स ने पकड़ लिया तो भाई फिर आपके PR पे भी असर आ सकता है। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ है, इसको मतलब मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये चीज़ कभी मत करना जो मैंने किया था, कि अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, कैनेडियन लाइसेंस, अगर इंडियन लाइसेंस है तो आप ले लो चला लो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास अगर आप मेरी तरह G दे चुके हो या G2 है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर G1 है और उसके बाद आप इंडियन लाइसेंस पे दे रहे हो तो वो इलीगल, मतलब इलीगल यहाँ पे उसको वो करते हैं, कंसिडर करते हैं। तो प्लीज़ ये चीज़ मत करना। और कोशिश करना यूहॉल की, जब ऐप में आप जाओगे ना तो उसमें आपको दिखाता है कि आपको कहाँ से यूहॉल, मतलब कौन कौन से स्टोर्स हैं जहाँ पे इस टाइम पे इतनी यूहॉल्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई यूहॉल हर जगह से मत ले लेना जाके, यूहॉल आप लेना वहीं से, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी करते हैं यूहॉल में। तो आप हर जगह किसी भी स्टोर से मत उठाना, हो सके तो अगर यूहॉल जहाँ पे मतलब जो यूहॉल का ऑफिशियल हब है अगर वहाँ से ले सकते हो तो वो बेस्ट चीज़ है, लेकिन अगर वो बहुत दूर पड़ता है या उसमें आपके पैसे खर्चा होते हैं तो वो मत करना। तो उसमें क्या बेसिकली आप कर सकते हैं कि जो रिव्यूज, मतलब आप जब यूहॉल बुक करेंगे तो उसमें एक सेक्शन आता है, तो उसमें एक रिव्यूज का ऑप्शन होता है, कौन सा बेस्ट है कौन सा रिवर्स रेटेड है, तो सब अपने बंदे उसमें एक्सपीरियंस अगर डालते हैं कि आप इसमें बेस्ट रिव्यूज जहाँ पे हो वहां से जाके लीजिएगा। और वहां जाके अच्छा एक चीज और होती है उसमें, जैसे मान लो आपने यूहॉल ले ली तो यूजुअली होता क्या है, अगर एम्प्टी है तो उसका 1/4 फ्यूल भरा होता है उसमें, तो आपको जहां से आपको यूहॉल मिली है कि हाँ यहाँ मतलब ये एम्प्टी है, यहाँ पे आपका काटा है जब आपने गाड़ी उठाई थी, यहाँ तक फ्यूल है आपका, तो वहां से आपने गाड़ी उठाई है और उसके बाद आपको जब रिटर्न करनी है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका फ्यूल है वो उतने ही मीटर पे हो, मतलब जहां से आपने उठाई है वहीं पे हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अलग से पैसे चार्ज करेंगे, उसके अलग से कुछ होगा, तो मतलब वो मैं ज्यादा उसके बारे में वैसे तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने तो जहां से उठाई थी वहीं पर रिटर्न करी। और मैंने लगभग गाड़ी चलाई थी उस दिन, मुझे लगता है मैंने 45-50 किलोमीटर्स के आसपास, 45 के अराउंड चलाई थी मैंने, तो 45 किलोमीटर्स का मैंने फ्यूल भराया था उसमें, लगभग $15 का पहले दिन भराया था और दूसरे दिन मेरा लगभग $10 का फ्यूल लग गया था, क्योंकि मुझे जाना था ऑल द वे टू नॉर्थ लंडन, वहां से मैंने टेबल उठाई थी अपनी, मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया चीज मिल गई, मतलब इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मिली कि वो सारा जो पैसा था यूहॉल का सब वर्थ इट था, बहुत बढ़िया था। तो मेरा यूहॉल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बट वही थोड़ा सा रिस्की भी था, तो वो तो मैंने आपको बताया कि भाई वो चीज मत करना, लेकिन यूहॉल रेंट करना बहुत ही इजी है और बहुत ही कन्वीनियंट चीज है। बस ये है कि अगर एक बंदा है तो यूहॉल में आपको सामान चढ़ाना उतारना है तो वो उसमें डेंट आ सकता है, तो उसका अलग चार्ज लग सकता है, तो ये सब मत करना। अगर आपके पास 2-3 बंदे हैं ना, या एटलीस्ट 2 बंदे हैं तभी आप यूहॉल करना, और छोटा मोटा सामान है तो चलो मैनेजेबल होता है, लेकिन मेक श्योर कि उस यूहॉल में कोई डेंट ना लगे, बिकॉज उसमें पूरा ऐप में फोटो वोटो खींच के डालनी पड़ती है, सब कुछ होता है। दोस्तों आप मेरे बालों को देख के समझ रहे होंगे कितनी तेज हवा चल रही है आज, एकदम से लंदन में दो दिन में ऐसा मौसम चेंज हुआ है ना यार, मैं मतलब मैंने कभी नहीं देखी ऐसी चीज, तो मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। 2 दिन में मौसम ऐसा चेंज हुआ है, मतलब 2 दिन पहले आप यकीन नहीं करेंगे टेम्परेचर था 28 डिग्री, आज टेम्परेचर है 8 डिग्री और उसमें भी विंड इतना है तो फील्स लाइक है 4 या 5 डिग्री फील्स लाइक है। बाहर मैं अभी वीडियो बनाने गया था, भाई मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, मेरे हाथ अभी भी जम रहे हैं। बहुत ही ईजी है देखो यूहॉल लेना, यहाँ पे बस मेक श्योर कि आप कैनेडियन लाइसेंस पे लें, इंडियन लाइसेंस पे अगर ले रहे हैं तो G1 वगैरह ना हो आपके पास,
ये चीज ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ये आपका साउथ कैंपस है, ये हूँ मैं, और लेट्स साइन आउट एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अब मैं दूसरी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके बाद वो अपार्टमेंट का अपना टूर देने वाला हूँ, आपको सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या रेंट में देता हूँ, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होगी। और अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन इसमें छूट गई है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। तो गाइस आज बहुत ठंड हो रही है यार। हाँ क्या बोलना था। तो गाइस बहुत दिनों बाद, नहीं बहुत दिन ही,